मीरा भयंदर वसई विरार MBVV। पुलिस ने एक 29 वर्षीय व्यवसायी को अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों के परिसर में अवैध आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामला तब प्रकाश में आया जब सोहम कुमार ने काशी मीरा पुलिस से संपर्क किया और दावा किया कि उसे एक खाद्य विक्रय कियोस्क से 2 देसी पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस मिले हैं, जिसे उसने भयंद्र पूर्व में गोल्डन नेस्ट सर्कल के पास नवीनीकृत फर्नीचर और रसोई के उपकरण बेचने वाली दुकान अमन स्टील किचन एंड इक्विपमेंट से खरीदा था। अधिकारियों ने दुकान के मालिक से पूछताछ की, जिसने आग्नेयास्त्रों की मौजूदगी के बारे में अनभिज्ञता जताई। इस बीच क्राइम ब्रांच यूनिट जोन 1 को एक गुप्त सूचना मिली कि उसी इलाके में आलम स्टील और फर्नीचर के मालिक 29 वर्षीय फिरोज आलम शफीउल्लाह चौधरी के पास अवैध आग्नेयास्त्र हैं। दोनों मामलों में एक लिंक पर संदेह करते हुए एक टीम ने दुकान पर छापा मारा और पाया कि फिरोज आलम और उसके कर्मचारी 28 वर्षीय शाकिर अब्दुल वहाब चौधरी के पास एक देसी पिस्तौल और कुल 16 जिंदा कारतूस थे। जांच के दौरान फिरोज ने खुलासा किया कि उसने अपने पूर्व कर्मचारी के माध्यम से 6 देशी पिस्तौल और 71 जिंदा कारतूस खरीदे थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों अनीस खान उर्फ मुन्ना, कामिल खान और शादाब खान की दुकानों में आग्नेयास्त्र रखकर बदला लेना था, क्योंकि कथित तौर पर इन लोगों ने उसके व्यापार में भारी नुकसान पहुंचाया था। माननीय पुलिस आयुक्त CP सर, इनके मार्गदर्शन में पिछले कई दिनों से मीरा भयंदर पुलिस आयुक्तालय में अवैध रिथ्या हथियार, अवैध ड्रग्स, अवैध दारू, ऐसे कई कामों पे ऊपर हमारी नज़र है और हमारी टीम्स लगातार इसके पीछे लगी हुई है। इसी तहत दिनांक 30 मार्च को हमारे क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 के PI अविराज कुराड़े और उनकी टीम को पता चला कि एक आलम स्टील एंड फर्नीचर में कुछ अवैध गावटी पिस्टल है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारी टीम ने वहाँ पे रेड किया और वहाँ से हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके नाम है फिरोज चौधरी और शाकिर वहाब, जिनके पास से हमने अभी तक 2 पिस्टल और 16 राउंड हमने बरामद किए। साथ ही काश्मीरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI कामले और उनकी पूरी टीम ने काश्मीरा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड 220/2024 आर्म्स एक्ट 325 में उन्होंने 2 पिस्टल और करीबन 34 राउंड अभी तक उन्होंने बरामद किए हैं। कुल मिला के 4 पिस्टल्स अभी तक हमने बरामद किए हैं ये 2 आरोपियों के पास से, और 2 ऑफेंसेस, एक नया नगर और एक काश्मीरा पुलिस स्टेशन में, इसके खिलाफ में, इन दोनों के खिलाफ में मामला दर्ज है।